नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पीएम मोदी और अमित शाह ने गांधीनगर में मतदान किया। उधर यूपी में सपा ने मैनपुरी से कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा की वारदात सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार हर वर्ग के लोग मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। लोगों ने यह भी कहा कि पिछली बार उनसे गलती हुई, जिसका वे पश्चाताप कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी पाइन इलाके में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। माना जा रहा है कि एक आतंकवादी बासीदार ट्रैप हुआ है। इटावा के सेफई में समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डालने के बाद कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी थी। आज फिर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नारायण राणे ने अपना वोट डाल दिया है। इसी बीच उन्होंने जीत का बड़ा दावा किया। शरद पवार ने आज बारामती में अपने मत का प्रयोग किया है। इसी बीच उनके साथ इस सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। महाराष्ट्र में आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी मतदान किया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, नासिक जिला प्रमुख विजय करंजकर आज शिवसेना में शामिल हुए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, नासिक जिला प्रमुख विजय करंजकर आज शिवसेना में शामिल हुए। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के मैच नंबर 55 में सनराइज हैदराबाद को 7 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ मुंबई ने प्लेऑफ में जाने की उम्मीद को बरकरार रखा है। आईपीएल के 55वें मैच में मुंबई इंडियंस को चौथी जीत मिली है। सूर्यकुमार यादव की शतकीय पारी की बदौलत मुंबई एसआरएच को हराने में सफल रही। सूर्यकुमार ने एक रिकॉर्ड में रोहित शर्मा की बराबरी भी की है। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज ठंडी और बाजार में ज्यादा हलचल नहीं देखी जा रही है। आज बाजार की ओपनिंग तेजी के साथ हरे निशान में तो हुई, लेकिन उछाल का रुख नहीं दिखाई दिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में 5वां आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दोस्त सतीश कौशिक के निधन के बाद एक्टर अनुपम खेर का हाल बुरा है। वे इस दुख के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अपना ये दुख कई बार वे शेयर भी कर चुके हैं। अब एक्टर ने हाल ही में ये कहा है कि ये दुख इतना असहनीय है कि वे इस दौरान खुद को डिप्रेशन में जाने से नहीं रोक पा रहे हैं। बिजनेस वुमन और सिंगर सॉन्ग राइटर अनन्या बिडला ने अपने जीवन का हार्डेस्ट डिसीजन ले लिया है और लाखों चाहने वालों को दुखी कर दिया है। उन्होंने अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए सिंगिंग छोड़ने का फैसला लिया है। आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने मेट गाला लुक को शेयर किया है, जिसमें एक्टर्स ने सब्यसाची द्वारा डिजाइन की हुई ट्रेडिशनल आउटफिट पहनी है। आज एप्पल का बड़ा लॉन्च इवेंट है। इस इवेंट का नाम लेट लूज आईफोन 16 सीरीज से पहले इस लॉन्च इवेंट में कंपनी ग्राहकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आएगी। गाजा युद्ध विराम के प्रस्ताव को हमास के मान लेने के बाद भी गाजा के हमले नहीं रुक रहे हैं। प्रस्ताव मान लेने के बाद इसराइल ने कहा है कि हमास ने जिस प्रस्ताव पर रजामंदी जताई है वे नरम प्रस्ताव है। ऐसी ताजा तरीन खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए एनबीसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।